नमस्कार, मैं मिति वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है होंडा अमेज का स्पेशल एडिशन, पहली बार आप देख रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको कि इसमें जो ये स्पेशल एडिशन है, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं और क्या आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इसकी कीमत क्या है और किन किन वेरियंट में आपको स्पेशल एडिशन मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस होंडा अमेज के स्पेशल एडिशन की कीमत जान लेते हैं। तो आपको चार स्पेशल एडिशन मिलने वाले हैं। आपको बता देता हूं, इसकी जो कीमत है पेट्रोल मैनुअल की 7 लाख रुपए है, जबकि स्पेशल एडिशन पेट्रोल सीबीटी की जो कीमत आपको पड़ेगी 7,90,000 रुपए की पड़ेगी। स्पेशल एडिशन डीजल मैनुअल जो है इसका, उसको वो पड़ेगा आपको 8,30,000 रुपए का, और जो इसका स्पेशल एडिशन डीजल सीबीटी है वो आपको 9,10,000 रुपए का पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ूं, इसके पहले आपको बता दूं, छोटा सा आपको वाकराउंड दिला देता हूं, क्योंकि आपको होंडा अमेज के बारे में जानना बेहद जरूरी है, हो सकता है आपसे कुछ चीजें मिस हो गई है। दोस्तों, ये अमेज आती है 2 इंजन विकल्पों के साथ, और जिसमें आपको पेट्रोल व डीजल दोनों मिलते हैं। और ये जो गाड़ी खड़ी है ये डीजल है आईडीटेक, और आप खोल के दिखाता हूँ इसका इंजन कि इसमें आपको कैसा इंजन मिलता है। तो देख लेते हैं एक बार। तो इसकी पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी, और इसमें लगाया गया है आईडीटेक इंजन जो कि अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी वाला है। इस पर आपको अंकित मिलेगा, इस पर लिखा हुआ है, और ये देता है 99 BHP की शक्ति व 200 Nm का टॉर्क। लेकिन जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 1.2 लीटर का है, क्योंकि ये 1.5 लीटर है, तो जो पेट्रोल का कॉम्बिनेशन बनता है 1.2 से बनता है, और वो देता है 89 bhp की शक्ति व 110 Nm का टॉर्क। और एक चीज़ और बताता चलता हूँ, इसके दोनों इंजन के साथ आपको CVT का मैच मिलता है, जो कि इस गाड़ी को अलग ही बनाता है। और अगर डीजल के इसके माइलेज की बात करें तो आपको बता दूं, तो अगर इस इंजन के डीजल की माइलेज की बात करें तो आपको बता दूं, ये 24.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आता है इसके पेट्रोल इंजन से, जो कि काफ़ी अच्छा है सेगमेंट में अगर आप मैच करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसके डिज़ाइन को, क्योंकि इसका डिज़ाइन आपको एक बार रिमाइंड करवाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसका फ्रंट डिज़ाइन। और मुझे पता है आप सबने देखा हुआ है होंडा अमेज कैसी है, लेकिन आपको बता देता हूँ, इसमें आपको नॉर्मल हेडलैम्प मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बड़े अंदाज वाले हैं, अच्छी रोशनी देते हैं। यहाँ पर फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाती है, इसका बेस वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है, अलग से लगवाना पड़ेगा। क्रोम की पट्टी यहाँ से शुरू होती है और लोगो को समेटते हुए आपस में वहाँ तक चली जाती है, उस हेडलैम्प तक, और यही ये अंदाज़ है जो लोगों को पसंद आया। और ये होंडा अमेज बिक्री के मामले में डिज़ायर के बाद दूसरे नंबर पर आ गई। तो दोस्तों, ये था इसका कुल मिलाकर फ्रंट लुक, आपको हमेशा से पसंद रहा है। अब मैं बात करूंगा उसकी जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। जो थोड़े में बहुत बड़ी बात कह जाता है उसे बोला जाता है विद्वान, और इस मामले में होंडा ने बहुत बढ़िया बात रखी है अपनी होंडा अमेज के माध्यम से। सब 4 मीटर एंट्री लेवल सेडान है ये, लेकिन इसके अंदर जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा किसी बड़ी लग्जरी सेडान में बैठ गए हो। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि स्पेशल एडिशन है जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। जो पहला आपको बदलाव मिलेगा इन ग्राफिक्स के रूप में मिलेगा, जो कि इस स्पेशल एडिशन में दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ORBM मिलेगा, इसी ORBM में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। अच्छा, और इसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। जो इसका प्रोफाइल है वो है 175/65R14 का, और ये काफ़ी अच्छा है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसके बीच में गैप ज़्यादा रह जाता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सब जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ अपने रिव्यू में। तो इस स्पेशल एडिशन में ये ग्राफिक्स आपका वेलकम करते हैं इस फेस्टिव सीजन पर। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके रियर की, और रियर में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, रैप अराउंड टेल लैम्प जो दिया गया है, बहुत खूबसूरत लगता है इसमें। और साथ ही बम्पर पर आपको ये पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और वो दूसरा बदलाव जो स्पेशल एडिशन में किया गया है, वो खुद अपने आप में स्पेशल एडिशन है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ये बैजिंग की गई है। यहाँ पर अमेज मिल जाएगा, यहाँ होंडा का लोगो हो गया, ये आईडीटेक है क्योंकि डीजल है, एस यहाँ पर दिखाया गया है। और अब मैं इसका बूट भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको, और बताता हूँ इसमें कितनी जगह मिलती है सामान रखने की। तो जब अगर आप इसे खोल देंगे तो इसमें आपको 420 लीटर की सामान रखने की जगह मिल जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका स्पेयर व्हील, और इसमें जो स्पेयर व्हील दिया गया है ये भी 14 इंच का है और स्टील है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिलने वाला है। तो ये होंडा अमेज जब स्पेशल बनी तो यहाँ पर एक बैजिंग कर दी गई स्पेशल एडिशन की। तो दोस्तों, मैं इस अमेज के रियर सीट पर आ गया हूँ, और आपको बताऊँ स्पेशल एडिशन है, और जो आपको बड़ा बदलाव दिखता है इसकी सीटों में दिखता है। तो जिस सीटों का अंदाज़ है आपको एक अलग मिल जाता है, और ये बहुत ही प्रीमियम वाला है।
तो अच्छा लगेगा आपको अगर होंडा अमेज की इन सीटों पर बैठेंगे, खास करके स्पेशल एडिशन वाली, और ये आपको होंडा सिटी टाइप का फील देने वाली है। और क्या चीज़ यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है जहाँ पर आप फोन लगा सकते हैं। अपना चार्जिंग की पूरी व्यवस्था दी गई है और साथ ही दरवाजों पर सामान रखने की, मतलब पानी की बोतल वगैरह रखने की जगह दे दी गई है। और क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, जो ये हेडरेस्ट मिलता है ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन ये कंफर्टेबल सीट है और बढ़िया आपको लेग रूम मिल जाता है, यहाँ पर आप मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। तो पीछे से इतनी सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलने वाली हैं। और साथ ही अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी में 3 लोग बैठते हैं तो उनको दिक्कत क्यों नहीं होगी, वो है इसका इसमें जो है इंटरप्टेड ट्रांसमिशन टनल नहीं दिया गया है, तो इस वजह से ये फ्लैट फ्लोर होने की वजह से कोई भी तीसरा आदमी बैठेगा तो आराम से इसमें बैठेगा, ज़्यादा शिकायत नहीं करने वाला। तो दोस्तों आइए अब लिए चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं इस स्पेशल एडिशन में आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों मैं अमेज के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ और ये अमेज नहीं है, ये अमेज का स्पेशल एडिशन है। तो इसमें जो आपको बदलाव मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपको दिखाया है मैंने सिर्फ बात की है 3 बदलावों की, जिसमें आपका ग्राफिक हो गया और पीछे आपको स्पेशल एडिशन की बैजिंग दिख गई और ये सीटें अलग अंदाज वाली इसमें मिल गई, 3 हो गए। चौथा कौन सा है, तो चौथा वही है जिस पर मेरा हाथ है। तो आपको ये स्लाइडर आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से। तो चौथा ये हो गया और पांचवा है ये 2.0 डिजीपैड जिसमें दे दिया गया है इस अमेज में, और ये बनाता है इसको स्पेशल एडिशन वाली खास गाड़ी। और आपको अब बताता हूँ कि क्या अच्छा लगता है इसमें, ये तो बदलाव हो गए स्पेशल एडिशन वाले, लेकिन आपको यही बता देता हूँ कि ये अमेज क्यों इस सेगमेंट में सबसे खास बनी हुई, सबको पसंद आती है। तो आपको एक बढ़िया सा डैशबोर्ड मिल जाता है और इसकी जो एसी वेंट की पोजिशनिंग है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छा लगता है। और इस गाड़ी में आपको एक बड़ा सा ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। इसके सामने आपको कप होल्डर्स 2 मिल जाते हैं, मोबाइल होल्डर मिल जाएगा और साथ ही यहां पर आपको 2 सॉकेट मिल जाता है यूएसबी वाला, जिसे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं और एक से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्योंकि ये भी इसमें मिलता है। और साथ ही पावर आउटलेट यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ सामान रखने की कोई जगह नहीं मिलती। दोनों दरवाजे पे आप ज़रूर बड़ी पानी की बोतलें रख सकते हैं और ये सीट का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। और ड्राइवर साइड वाली सीट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी भी व्यवस्था दे दी गई है। और इस गाड़ी में आपको एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसके MID पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसमें आपको जो फिनिशिंग मिलेगा ये पियानो ब्लैक फिनिश वाला, ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। तो कुल मिलाकर एक प्रीमियम अंदाज में ये अमेज इस फेस्टिव सीजन पर आपको पसंद आ सकती है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि त्योहारों पर कुछ अलग करे और यही ख्वाहिश में कंपनियां अपने आइडियाज़ को अलग अलग अवतार में लोगों के सामने लेकर आती हैं। तो दोस्तों ये थी नई होंडा अमेज, नहीं कहेंगे इसे, बोलेंगे होंडा अमेज का स्पेशल एडिशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा @amit.dvd, सवाल करिए सारे जवाब।